आज हम रवा लड्डू रेसिपी देखेंगे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। ये साउथ इंडिया का स्पेशल रेसिपी है। ये जनरली दिवाली जैसे फेस्टिवल्स को बनाते हैं। सॉफ्ट और स्मूथ रवा लड्डू रेसिपी के लिए हम बताए सो टिप्स फॉलो करिए, आपके घर में ट्राई करिए। इसके लिए हम काजू और किशमिश मिला के आधे कप ले लेंगे और दूध ले लेंगे। एक कप सूजी रवा ले लेंगे। एक चम्मच इलायची का पाउडर ले लेंगे। एक पाव कप घी ले लेंगे। आधे कप शुगर ले लेंगे और एक आधे कप कोकोनट पाउडर ले लेंगे, कोपरा का पाउडर। अब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक पैन गरम करेंगे। पैन गरम होने के बाद एक चम्मच घी डालेंगे। घी डाल के काजू डालेंगे। काजू डाल के थोड़ा फ्राई करिए। काजू थोड़ा फ्राई होने के बाद उसमें किशमिश डालेंगे। ऐसा ये काजू और किशमिश फ्राई होने के बाद इसको एक बाउल में ले लीजिए। अब उसी पैन में सूजी रवा डालेंगे। ऐसा रवा डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा फ्राई होने के बाद लाइट कलर चेंज होगा और अच्छा स्मेल भी आएगा आपको। जब उसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे, ऐसा कोकोनट पाउडर डाल के कोपरे के पाउडर अच्छे से मिलाइए। अब कोपरा और रवा अच्छे से फ्राई होने के बाद एक प्लेट में निकाल के बाजू रखेंगे। अब उसी पैन में आधे कप शुगर ले लेंगे। शुगर लेने के बाद उसमें 2 चम्मच तक दूध डालेंगे। इसी में अब इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची का पाउडर डाल के मिलाते हुए चांच बनाएंगे। अब 1 चम्मच घी डाल के इसका चांच बनाएंगे मिलाते हुए। चांच पूरा बनने के बाद उसमें पूरा घी डाल देंगे। घी डाल के अच्छे से मिलाइए। अब ये चांच बनने के बाद इसको स्टोव ऑफ करके इसमें रवा और कोपरा डाल के अच्छे से मिला के बाजू रखेंगे। थोड़ा कूल होने के लिए रखेंगे। अब थोड़ा वार्म होने के बाद इसमें बाकी दूध डालेंगे। रिमेनिंग दूध डाल के अच्छे से मिलाइए। थोड़ा वार्म है जब भी ऐसा दूध डाल के और फ्राई करें सो काजू और किशमिश डाल के इसको लड्डूया बनाएंगे। ऐसा देखिए, ऐसा गोल लड्डू बना सकते हैं। ऐसा पूरा रवा का ऐसा लड्डूया बना दीजिए। ये है हमारा रवा लड्डू रेसिपी। आप भी आपके घर में ट्राई करिए। ये वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।